वेव्स का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपके पास वेव है, ये एक वेव है क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, एक ट्रांसवर्स वेव है। ये जो वेव है इसमें यहां से लेके यहां तक वेव की लेंथ है, वेव लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ, वेव लेंथ। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास क्या होगी, वेव लेंथ। नेक्स्ट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो वेव की, ये मैक्सिमम है। देखो ये कम है, कम है, कम है, सबसे ज्यादा यहां पर है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। और इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, राइट। क्लियर है यहां तक? तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट है इसमें, इसमें वेव यहां से यहां है, और यहां से यहां अगर ये पीरियोडिक वेव है तो यहां से यहां बनने में इसे समय क्या लगेगा, कैपिटल टी, टाइम कैपिटल टी। ये भी क्लियर है यहां तक? अगर एक वेव है, एक वेव की वेवलेंथ छोटी है, ये देख लो आपके सामने, ये वेवलेंथ स्मॉल है, और एक वेवलेंथ है जिसकी वेवलेंथ बड़ी है, ये देखो ये बड़ी है। तो वेवलेंथ छोटी है, वेवलेंथ बड़ी है। तो अगर वेवलेंथ छोटी है और अगर मैं ऐसी वेव्स जब क्रॉस करेंगी, और एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस कर गई उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक पॉइंट को कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर ये वेव्स टाइट है तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा क्रॉस करेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। पर क्योंकि वेव टाइट है तो इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। और दूसरे केस में वेवलेंथ इसकी क्या है, ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो जाएगी, कम। वो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस करेंगे एक सेकंड के अंदर, ये वेव बहुत बड़ी है, तो नंबर ऑफ वेव जो क्रॉस करेंगी वो काफी कम क्रॉस करेंगी, फ्रीक्वेंसी कम है। तो एक बात तो पक्की है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर जो स्पीड ऑफ वेव है ना, जो वेव की स्पीड है या वेव की जो वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला है न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब आप ये देखो कि एक वेव ट्रेवल कर रही है इन अ गिवन मीडियम, मैं लिख रहा हूं इन अ गिवन मीडियम, तो एक मीडियम की बात हो रही है, इन अ गिवन मीडियम, इन अ गिवन मीडियम, मीडियम चेंज ही करना, स्पीड क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। जब तक मीडियम चेंज नहीं करेंगे स्पीड चेंज नहीं होगी, मीडियम चेंज होगा स्पीड चेंज हो जाएगी, तो स्पीड इसमें क्या होगी, कांस्टेंट है। अब अगर आपकी वेव की वेवलेंथ कम कर दूं तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा, लेकिन वी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अगर वेव एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई वेव मीडियम क्या करती है, चेंज करती है, अगर मीडियम चेंज करती है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी वेव की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। अगर मान लो मीडियम चेंज करती है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे मान लो अगर कोई वेव एयर से मान लो वाटर में या किसी और मीडियम में जाती है, तो एयर में स्पीड अगर सी है या वैक्यूम में एयर स्पीड सी है, तो वाटर में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? और हमें यह पता है कि यह चेंज हो गई, तो एक बात बताओ, अगर इसमें ये स्पीड चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी होती क्या है, न्यू इनटू लैम्डा। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी में से, लैम्डा में से और फ्रीक्वेंसी में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चेंज नहीं होता अगर हम मीडियम चेंज करें, तो आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ये चेंज नहीं होती। अगर एक वेव दूसरे एक मीडियम से 100 मीडियम में चेंज कर लेगी, तो एक फैक्टर जो चेंज नहीं होता उसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज होती है, लैम्डा भी ऑब्वियसली फिर चेंज होगा ही होगा, क्यों, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई ये क्या है, कांस्टेंट है, तो लैम्डा को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज ही होना पड़ेगा। लेकिन ये तब है जब आपकी
वेव मीडियम क्या करेगी, चेंज। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती? फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। तो जिसने वेव को जनरेट करवाया, मेरे हाथ में रस्सी है, मेरा हाथ जनरेट कर रहा है वेव को, तो मेरी मर्जी मैं कैसी फ्रीक्वेंसी में वेव जनरेट करूं। तो अगर मैंने वेव जनरेट कर दी न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ, वो न्यू रहेगी। आप किसी मीडियम में पास कर लो उसे, क्योंकि डिपेंड मेरे पे करते हैं और मीडियम में डिपेंड नहीं करता उसने कौन सा जनरेट किया है। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि सोर्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। ये भी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट रूल है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, उसका फॉर्मूला है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये भी क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन आएगा, आपके पास एक लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में चली गई, ठीक। जैसे मान लो मीडियम वन जो है वो वैक्यूम है या एयर है, और किस में चली गई, वाटर में चली गई। वैक्यूम के अंदर लैम्डा वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है म्यू। तो आपको निकालना है वाटर के अंदर आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? कैसे? इंपॉर्टेंट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये रूल बनेगा। तो अब मुझे पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या है, न्यू इनटू लैम्डा इन वैक्यूम, लैम्डा इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वाटर के अंदर क्या है, न्यू इनटू लैम्डा इन वाटर। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, तो लैम्डा वाटर में क्या होगा, जो भी लैम्डा वैक्यूम में था डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तक तो याद रहेगा यहाँ तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी बार भी यूज होता है, तो आपने फॉर्मूला बुकलेट में ये नोट करना है। प्लीज़ लिखें लिखें कि अगर आपकी वेव एयर से किसी मीडियम में जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का म्यू एम है, एयर में वेवलेंथ लैम्डा ए है, तो मीडियम में क्या होगी, तो मीडियम में जो वेवलेंथ होगी वो एयर की वेवलेंथ को म्यू से क्या कर देना है, डिवाइड। ये फॉर्मूला नोट करो, सीधा फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है ये। प्लीज पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो लैम्डा की वैल्यू इसमें कैसे लगेगी। नेक्स्ट है, अब इसी में एक लॉ जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ये आपने सुना भी हुआ है, रिफ्रैक्शन का लॉ है। अगर आपके पास मान लो ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मान लो मीडियम वन है ऐसे बोल लेते हैं, ये आपके पास मीडियम वन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, आपके पास ये मीडियम टू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, बाई डिफॉल्ट अगर कुछ लिखा नहीं तो ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है,
रे ऑफ लाइट एंटर करती है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये आपके पास एक नॉर्मल गिवन है, रे ऑफ लाइट एंटर करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, राइट आ रहा है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखो हमने याद किया हुआ है म्यू इज साइन अप है साइन आर, ऐसे यूज नहीं करना, ऐसे करना है क्योंकि रे ऑफ लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में आ रही है, तो मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टू साइन ऑफ आई, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टू साइन ऑफ आर, ऐसे यूज करेंगे म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, ठीक है यहाँ तक। या फिर साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमिनेटर में टू चल रहा है म्यू टू, तो ये नीचे ले आएंगे टू, और ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर ले आएंगे, इसको बोलते हैं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसको कैसे बोलना है इसमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन का ये फॉर्मूला, जैसे अगर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो, तो आप इसे ब्रेक कैसे करेंगे, आप इसे ऐसे ब्रेक करेंगे, वाटर नीचे है तो वाटर ऊपर आ गया, ग्लास ऊपर है तो ग्लास नीचे आ जाएगा, अब बाय डिफॉल्ट ये कुछ नहीं होगा तो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कोई डाउट इसमें, ठीक।